नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गए 5 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। आपको बता दें, भारत चीन सीमा विवाद के बीच सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन को सबक सिखाने की तैयारी में भारत, थल वायुसेना संयुक्त तौर पर कर रही है युद्धाभ्यास। बड़ी खबर निकल के आ रही है, एलएसी सटे चीन सीमा पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी को इंडियन आर्मी तैयार। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान में तख्ता पलट का लगभग हो चुका है ऐलान। जी हां, बड़ी इमरान के खिलाफ विपक्षी में मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर से बनाया गया पीडीएम का पहला प्रमुख। जी हां, कभी भी हो सकता है इमरान खान का तख्तापलट। और इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत सरकार पाकिस्तान को आर पार का ऐलान कर सकती है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। दरअसल सीज फायर का उल्लंघन के बीच एलओसी पर लगातार पाकिस्तान कर रहा है। कल कई चौकियों को ध्वस्त करने के बाद सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध छेड़ सकता है भारत। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच क्वाड देशों से पूरी तरीके से डरा चीन। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत को क्वाड में न शामिल होने की सलाह दी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा बल्कि देश के हर एक दुश्मनों को करारा जवाब देगा, अगर आपको भी इंडियन आर्मी पूरी तरीके से गर्व और विश्वास है तो वीडियो को लाइक करके जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन को सबक सिखाने की तैयारी में भारत, जल थल वायु और सेना संयुक्त तौर पर कर रही युद्धाभ्यास। लद्दाख में चीनी सेना लगातार एलआईसी पर आक्रामक रूख अपनाए हुए, तो इंडियन आर्मी भी पूरी तरीके से आक्रामकता के साथ चोटियों पर खड़े हुए हैं। शांति के तमाम वादों के बावजूद चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। अरे, बड़ी मात्रा में विवादित स्थल पर सैनिकों और सैन्य सशस्त्रों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। चीन की आक्रामक रूख को देखते हुए भारतीय सेना की तैयारियां लगभग जोरों पे हैं। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना संयुक्त तौर पर अभ्यास कर रही हैं। रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख पदों के सृजन के 10 महीने बाद दोनों सेनाएं पूर्वी लद्दाख सेक्टर के सामने चीनी सेना के खिलाफ संयुक्त रूप से अभ्यास कर रही हैं। इस अभ्यास में लेह के हवाई क्षेत्र में C-17 और इसके साथ ही C-130J सुपर हरकुलिस विमान देखे जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि वायुसेना के साथ साथ नौसेनाएं भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हो चुकी हैं और वायुसेना जल थल और वायु में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास तीनों सेनाएं कर रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि चीन के खिलाफ माना जा रहा है कि इस बार इस खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना पर काम किया जा रहा है। दरअसल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को राशन और अन्य सामानों की आपूर्ति सही तरीके से हो सके, इसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। लद्दाख क्षेत्र में तैनात एक वरिष्ठ वायुसेना कमांडर ने कहा है कि फिलहाल वायुसेना के मुख्यालय से निर्देश दिए गए हैं कि सीमा पर तैनात सेना और अन्य सुरक्षा बलों को जो भी आवश्यकताएँ हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। फॉरवर्ड एरिया में तैनात सेना एक अधिकारी ने कहा है कि फिलहाल इन दिनों रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख जनरल बिपिन रावत और दोनों सेनाओं के प्रमुख अक्सर चर्चा कर रहे हैं और चीन की सेना के खिलाफ कार्रवाई की योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय क्षेत्र जो चीनी जवानों के खिलाफ बिल्कुल सामने तैनात हैं कि नियमित रूप से भारतीय वायुसेना की अपनी वास्तविक ज़मीन की स्थिति के बारे में अपडेट कर रहे हैं और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए युद्धाभ्यास आगे भी जारी रहेगा। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल पाकिस्तान में तख्ता पलट का लगभग ऐलान हो चुका है। इमरान के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तैयार, मौलाना फजलुर रहमान को बनाया गया पीडीएम का प्रमुख। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ लगभग तख्ता पलट का ऐलान हो चुका है और विपक्ष की मोर्चाबंदी भी हो चुकी है। कट्टरपंथी नेता मौलाना फजलुर रहमान को सर्वसम्मति से इस मोर्चे का सदर नामित कर दिया गया। इस मोर्चे को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम दिया गया और इस मोर्चे का काम पाकिस्तान के इमरान सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों के एक होकर इमरान सरकार को तख्ता से, खास करके सरकार की गद्दी से हटाना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां खो गई हैं, ऐसे में इमरान सरकार के तख्ता पलट की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं और इमरान सरकार कभी भी सत्ता से वापस जा सकता है। ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इमरान सरकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है और कभी भी
इमरान सरकार गिर सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग, सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान ने की LOC पर गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। दरअसल जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ जिले के मनकोट इलाके में पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की और मोर्टार भी दागे हैं। भारत सेना की तरफ से पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार बिना उकसावे LOC पर फायरिंग कर रहा है। इससे पहले 1 अक्टूबर को भारतीय सीमा में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि इतने ही बात से अब नहीं बनने वाले, क्योंकि पाकिस्तान पर LOC पर भारत ने पाकिस्तान की कई इलाकों पर भारी बमबारी की थी। भारत की तरफ से कई पाकिस्तान के इलाकों को ध्वस्त कर दिए थे, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ आर पार का लगभग मोड बन चुका है। और यही कारण है कि कल POK को लेकर रणनीति भी बनी है और पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध की भी एक रणनीति बनी है। चीन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ये वायलेशन कर रहा है सीज फायर का, उसको देखते हुए अब पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी आर पार किया जा सकता है। कल पाकिस्तान की कई चौकियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके पहले 1 तारीख को भी 7 से 8 चौकियों को ध्वस्त किया गया था। LOC से सटे कई इलाकों पर जहाँ पाकिस्तान की सरगर्मियाँ थीं, उन कई जगहों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। क्वाड समूहों से डरा चीन। जी हाँ, ड्रैगन की सांस फूल रही है क्वाड देशों से, भारत को शामिल न होने का सिफारिश की। जी हाँ, लद्दाख में तनाव के बीच भारत जल्द से जल्द क्वाड देशों के समूह को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर सकता है। इससे पहले पहला कदम समूह को औपचारिक रूप से संस्थागत बनाना होगा। इसमें चीन को मिर्ची लगना तय है, और आपको बता दें कि मिर्ची लग भी गई है। चीन का कहना है कि फिलहाल इन क्वाड देशों में कभी भी ऐसा क्वाड देश जैसा संगठन नहीं बन पाएगा, और ये महज अमेरिका और जापान की हवाई नीति है, और इसमें भारत को क्वाड देशों में शामिल न होने की सलाह तक भीड़ दे डाली है। लेकिन आपको बता दें कि सच्चाई ये है कि चीन इन क्वाड देशों से पूरी तरीके से सहमा हुआ है, और यही कारण है कि उनका कहना है कि फिलहाल क्वाड देश जैसा कोई संगठन बन ही नहीं सकता है। जबकि दोस्तों 6 अक्टूबर को बैठक होने वाली है। 6 और 7 अक्टूबर को जापान दौरे पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जाने वाले हैं, और क्वाड देशों के बीच चर्चा भी होगी। चीन के खिलाफ एक निर्णायक ऐलान भी किया जाएगा। जापान में शिंजो आबे के बाद साथ साथ ऐसो सुगा प्रधानमंत्री पद पे हैं। इस बीच आपको बता दें कि न केवल भारत बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पेम्पुआ भी इस 6 और 7 की बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो चीन के खिलाफ एक निर्णायक तैयारी हो रही है, और यही कारण है कि चीन पूरी तरीके से डरा और सहमा हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट। नवाज शरीफ ने खोली पाकिस्तान की पोल, बताया फिर कैसे अमेरिका की तकनीकी चोरी करके बनाई गई है बाबर मिसाइल। दरअसल पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व PM नवाज शरीफ के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। नवाज शरीफ लगातार अपने बयानों से सरकार और सेना को निशाने पर ले रहे हैं। हाल ही में जब इमरान ने नवाज को उनके बयानों को लेकर घेरना चाहा, तो पूर्व PM ने लंदन से बैठे बैठे ही पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम को लेकर बड़ा खुलासा किया और सरकार की पोल खोल दी। पूर्व PM नवाज ने कहा है कि फिलहाल मुझे मुल्क के लिए शहीद होने वाले सैनिकों पर गर्व महसूस होता है, जो सैनिक अफसर सीमा पर जाकर कुर्बानी दी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बाबर मिसाइल है वो अमेरिका की तकनीकी को ही चुरा कर बनाई गई है। पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि उस मिसाइल की बाइकन इंजीनियरिंग हुई और उसमें हमने तैयार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों का कोई छोटा मोटा दिमाग नहीं है, बल्कि हमें फ़ख्र है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ये कहीं ना कहीं खुलासा कर ही दिया कि अमेरिका से ही तकनीक चुराई गई थी। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल व्हाइट हाउस ने कहा, पब्लिक को जितना बताया गया है उससे कहीं ज़्यादा ख़राब थी राष्ट्रपति ट्रंप की हालत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मोडीज ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत शुक्रवार को जनता को बताई गई जानकारी से कहीं ज़्यादा नाजुक थी। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि शुक्रवार को ही थी। मोडीज ने शनिवार रात प्रसारित फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में टिप्पणी की है, जिनमें 74 वर्षीय राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के 2 दिनों के परस्पर विरोधी और अपारदर्शी आकलन का भी उल्लेख किया गया था। मोडीज़ ने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा गया है कि मैं आपको बता सकता हूं कि जब उन्हें बुखार नहीं है और अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल के साथ अच्छा कर रहे हैं,
उन्होंने कहा है कि कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, आर्मेनिया के साथ संघर्ष की चपेट में आया अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर। दरअसल आपको बता दें अलगाववादी क्षेत्र नागोर्नो काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई जारी है और इसकी चपेट में अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी आ गया है। अजरबैजान के अधिकारियों ने रविवार को कहा है कि फिलहाल आर्मेनिया के बलों ने देश के सबसे दूसरे बड़े शहर गाजा पर भी हमला कर दिया है। अजरबैजान ने राष्ट्रपति के सहयोगी हिकमत हिजेवर ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे गाजा शहर पर उन्होंने हमला कर दिया है। दरअसल कहा है कि उन्होंने गाजा में सघन आवासीय बस्तियों पर निशाना साधकर आर्मेनिया द्वारा किए गए चर्सी मिसाइल हमलों का परिणाम बताया है। आपको बता दें कि हालांकि वीडियो की सत्यता की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लगातार संघर्ष जारी है और इसमें दोस्तों 300 से ज़्यादा लोगों के सैनिकों की अभी तक मौत हो चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दुनिया की वैक्सीन बाजार पर कब्जे की मंशा, चीन चल रहा है खतरनाक चाल। अपनी कोरोना वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल को पूरा किए बिना ही चीन वैक्सीन प्रोग्राम को विस्तार देने जा रहा है। अब देश में बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि बिना पुख्ता रिजल्ट और हड़बड़ी में बड़ी आबादी को वैक्सीन देने के फैसले को एक्सपर्ट खतरनाक बता रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन को वैक्सीन उत्पादक कंपनियाँ खतरनाक रास्ते में चलते हुए दुनिया के वैक्सीन बाजार पर हावी होना चाहती। पिछले महीने ही चीनी कंपनी सिनोफार्म ने दुनिया को चौंकाते हुए ऐलान किया कि लाखों चीनी लोगों को पहले ही वैक्सीन दे दी जा चुकी है। जुलाई में चीनी सरकार ने 2 कोरोना वायरस वैक्सीन के सीमित उपयोग की इजाज़त दे दी थी जिसमें फेज 3 ट्रायल भी अभी लगभग पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में समझा जाता है कि चीन में हेल्थ वर्कर्स, सरकारी कर्मचारी और हाई रिस्क एरिया में ट्रेवल करने वाले लोगों की शुरुआत में वैक्सीन में खुराक दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल ये सब महज चीन इसलिए कर रहा है ताकि जो दुनिया में कोरोना वैक्सीन का बाजार है उस पर हावी हुआ जा सके और वो अपनी वैक्सीन की सप्लाई की जा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चीन का जो गुडविल है, चीन की जो छवि है वो दुनिया में वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिहार चुनाव उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी में मंथन, CEC बैठक में PM मोदी रहे मौजूद। दरअसल तीन चरणों में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होना है। उम्मीदवार चयन की बात तो दूर, अभी तक सत्ताधारी गठबंधन की ओर से सीट बंटवारे का भी ऐलान नहीं किया गया। बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर रविवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक हुई है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में लगभग 2 घंटे तक चली इसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। PM मोदी के साथ ही बैठक में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, शहनवाज हुसैन, देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव ने भी उम्मीदवार के चयन पर माथापच्ची की है। इस बैठक में जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है उन सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों के अंतिम रूप भी दिए जाने की बात सामने आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, हाथरस कार्ड को लेकर सियासत। CM बोले दंगे कराना चाहता है विपक्ष। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि पहली बार हाथरस मामले में CM योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी। हाथरस कांड में CM योगी ने कहा है कि फिलहाल बुलगाड़ी गांव में हुई दर्दनाक घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव में पुलिस का सख्त पहरा है। मामले की जांच के लिए SIT की टीम आज गांव पहुंची थी। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का आना जाना बना हुआ है और यही कारण है कि माहौल गर्म किया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि CM योगी ने कहा है कि फिलहाल इसे जातीय दंगे में बदलने की विपक्ष लगातार साजिश कर रहा है। आपको बता दें कि CM ने कहा है कि फिलहाल माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। CM योगी ने कहा है कि इन्हें विकास अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब देश और प्रदेश में जातीय दंगे, सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश की जा रही है। इसमें ये अपनी राजनीति कर सकें, दंगे में प्रदेश का विकास रुकेगा। ऐसे में हमें विपक्षी पार्टियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए।
और इस बीच सीएम योगी ने कहा है कि फिलहाल योगी राज में विपक्ष राजनीति नहीं कर सकता है और जिन्होंने भी इसमें राजनीति करने की कोशिश की है उनको परिणाम भुगतना भी होगा और जिन्होंने सांप्रदायिक दंगे की कोशिश की गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी का नीतीश के साथ चुनाव लड़ने से इनकार, कहा बीजेपी संग बनाएंगे सरकार। लोक जनशक्ति पार्टी ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि पार्टी की ओर से जारी रिलीज के अनुसार पार्टी की केंद्रीय संसदीय बैठक में पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। पार्टी की ओर से जारी रिलीज के अनुसार कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सभी विधायक बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी में कोई कटुआ नहीं है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का वैचारिक मतभेद है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि सभी सदस्यों ने पार्टी के संस्थापक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत पर चर्चा की और ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो जल्द से जल्द ही स्वस्थ होकर हम सब के बीच में आ जाएं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल हाथरस में जिस तरीके से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसके बाद आप बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि सियासत गर्म, सीएम योगी ने कहा दंगे कराना चाहता था विपक्ष। जी हाँ, बड़ी खबर अपडेट निकल के आ रही है तो योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए सीबीआई जांच के। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, दुष्यंत चौटाला ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी ने पंजाब में ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों के समर्थन में होने का दावा किया और उन्होंने हाथ झटकते हुए कहा है कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तुरंत ही इस बिल को रद्दी की टोकरी में फाड़कर फेंक दूंगा और इस काले कानून को तत्काल ही रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कृषि का भी नहीं पता है, चले हैं किसान को बरगलाने। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कृषि से जुड़े कानूनों का विरोध करने पर राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कृषि शब्द का पहले अक्षर का के बारे में भी ज्ञान नहीं और किसानों को बरगलाने चले हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के दौर पर आ रहे राहुल गांधी को केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि से जुड़े कानूनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। चार दिन से पूरे राज्य में नॉन एमएसपी की धान की किस्म 1500 और आज 2100 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, जबकि कॉटन भी अच्छे दाम पर बिक रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने रविवार को सिरसा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि विपक्ष की ओर से इस मसले पर राजनीति की जा रही है, वहीं किसानों से जुड़े सवालों का भी जवाब उन्होंने दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल बलरामपुर गैंगरेप केस में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, आरोपियों पर लगेगा एनएसए। दरअसल यूपी में रेप की घटनाओं को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। हाथरस की गैंगरेप पीड़िती के परिजनों की मुलाकात करने के बाद अगले ही दिन अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बलरामपुर पहुंचकर गैंगरेप की शिकार हुई छात्रा के परिजनों से मुलाकात की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ पीड़ित परिवारों की मुलाकात के बाद अवस्थी ने कहा है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि फिलहाल जरूरत पड़ी तो आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। कहा है कि जिलाधिकारी लगातार पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। एडीजी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि फिलहाल युवती की बर्बरता पूर्वक हत्या की गई, अभियुक्तों ने क्रूरता से उनकी हत्या की है। आपको बता दें इसमें विपक्ष मौन धारण किए हैं। आपको पता है कि इसमें विपक्ष क्यों मौन धारण किए हैं? जी हाँ, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें विपक्ष इसलिए मौन धारण किए हुए क्योंकि विपक्ष को सूट नहीं करता है। इसमें आरोपी मुस्लिम समुदाय के हैं, जी हाँ, और इसलिए मुस्लिम समुदाय होने की वजह से विपक्ष इसमें कोई हो हल्ला नहीं करेगा। जबकि जहाँ दलित का मैटर आया और हिंदुओं की बात आई, वहाँ पर जातीय हिंसा और जातीय भावनाओं को हिंदुओं में फोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आ गई है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें बलरामपुर की बात करें तो दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ योगी राज में, जो कि एक बेहद ही निंदनीय है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया, एनएसए लगाया जाएगा। आरोपियों का नाम है मोहम्मद साहिल। साहिल और साहिद नाम के दो जिहादियों ने उस लड़की का गैंगरेप किया। यही कारण है कि विपक्ष में न तो चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण दिखाई देगा और न ही कांग्रेस पार्टी के
राहुल गांधी और पिंकी प्रियंका गांधी, ये दोनों लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति हो रही है। मायावती का ट्वीट बलरामपुर केस में एक बार नहीं आया, दलित लड़की है, इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि एक विशेष समुदाय के लोगों को बचाने की कितनी भरपूर साजिश की जा रही है, ताकि मीडिया भी उसमें ना आए। और गोदी मीडिया भी, वो दलाल मीडिया जिन्होंने कांग्रेस के पैसे खाए हैं दोस्तों, उन्होंने भी बलरामपुर के इस मुद्दे को एक बार भी कवर नहीं किया है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके बावजूद इसमें ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई कर दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, बिग ब्रेकिंग दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें दोस्तों के साथ इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।